अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है तो सब लोग खैरियत होंगे, अल्लाह का शुक्र है। मैं भी अब्दुल अली हूँ। आज की वीडियो का लोग शुरू करते हैं। मैं भी सपोर्ट किया हूँ, हाथों लिया निकले हैं घर से, एक जगह पे आए हैं, यहाँ से सामान खरीदना है कुछ पेंट का। मैं भी आपको दिखाता हूँ, दुकान पर जाना है सबसे पहले, भाई को दुकान पर छोड़ेंगे, उसके बाद जो पेंट वाले बंदे लगे उसे ना कुछ याद हो पुरानी वीडियो में, पिछले आज से तकरीबन एक वीक पहले की बात है, वहाँ पर जाके जो है ना पेंट आज उनको मैंने देना सामान वो देते हैं। आपको सारा काम भी दिखाते हैं कहाँ तक पहुँच गया वो लगा। भाई को मैंने दुकान पे छोड़ दिया, सफाई वगैरह करते हैं, सामान बाहर निकालते हैं और मैं चलता हूँ पेंट लेने के लिए। मैंने जो है ना लेके मैंने रख दी आगे, एक डमी लेनी थी बस, ये पड़ी हुई है। अभी चलते हैं जहाँ पे काम हो रहा है उधर लेके चलते हैं इसको, जाकर खुद भी देखते हैं। काफ़ी दिनों से मैं भी नहीं गया और आज उनका फोन आया था जी पेंट ख़त्म हो गया, तो पेंट ले लिया, चलते हैं उधर। लो जी, ये पेंट हो रहा है अभी इधर ना फ्रंट वाली साइड पर हो रहा है, ये जो दरमियान में छोड़ा हो रहा है थोड़ा सा इधर ब्लैक कलर का लगेगा, ये देखें ये ग्रे वाला मैं भी लेके आया ना, ऊपर लगे हुए हैं बंदे इनकी छत पे काम कर रहे हैं, वो ममटी आपको नजर आ रहा है जहाँ पे झंडा लगा हुआ है तो वहाँ पर भी सारा कर रहे हैं ये एरिया। ये वाला जो है इसका भी पेंट भी मैं ले आऊँगा तो फिर वो लगे रहेंगे बाद में, मुझे सुकून रहेगा। अंदर जो था ना वो बाकी छतें सिर्फ करवाई हैं पेंट, बाकी के जो दीवारें थी ना उनको करनी है पैलिंग, तो वो पेंट का प्रोग्राम चेंज हो गया था, इस वजह से जो है ना फिर अंदर काम इतना नहीं करवाया। विंडो जो दो मैंने बना के भेजी थी वो भी पड़ी हुई हैं, उनको पेंट होगा फिर वो फिटिंग करेंगे, शीशे वगैरह लगने हैं, बाकी फिल्म का जो है ना काम ये चल रहा है। सीढ़ी चक्कर उधर कैसे लंबी वो ज्वाइंट की हुई है बांधी हुई है ऊपर से, इसलिए जो है ना चल रहा है नाम अभी, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज ये वाला फ्रेंड जो है ना वहाँ तक वो जो ऊपर निशान दिया हुआ पेंट का कैसे इस तरह से यहाँ तक हो जाएगा, फिर साइड रह जाएगी और पीछे वाला जो रह जाएगा वो बाद में कर लेंगे। विंडो ये बड़ी जो बना के भेजी थी अभी जो है ना, मैं इसको बोलता हूँ पेंट वाले को कि इनको पेंट कर दे ताकि मैं फिटिंग करके ना इनको, तो बाकी का काम जो है वो करो इनका। अभी दुकान पे आ गए हैं, अभी जो है ना सामान बाहर निकालते हैं ये वाला सारा, और खिड़कियाँ जो है ना सेफ्टी के लिए उनके फ्रेम बनाने शुरू करते हैं। एक फ्रेम मैंने अभी तैयार किया है, दूसरा कर रहा हूँ, इसके अंदर ना दरवाज़ा बनना है स्लाइडिंग वाला, यानी कि ये टेरेस की ग्रिल है ना, यहाँ से गुजर के बाहर जाने के लिए दरवाज़ा बनेगा। तो भाई कहें जरा सामान लेने के लिए कुछ आते हैं, तो फिर इसका ना साइज़ चेक करना, डायगोनल जिसे कहते हैं ना इस तरफ से लेके इस तरफ साइज़ चेक करना होता है, तो वो अकेला बंदा नहीं कर सकता, इसलिए भाई का इंतज़ार करना पड़ेगा, वो आते हैं तो फिर आगे काम शुरू होगा। भाई जनाब साहब आ गए हैं, अभी जो है इसका साइज़ चेक करते हैं, ठीक करते हैं इसको, उसके बाद बाकी काम शुरू करते हैं। फ्रेम सारे मैंने बना लिए, चार फ्रेम थे, तीन ये पड़े हैं कि ये बड़े वाला चेक करो। अभी ना ये फ्लैक्स लगने के लिए, ये वो जो एरिया तो खाली बचा था ना, ये सारी हमने लगाई थी, एक ये बच गया था, इसकी फ्लैक्स भी आज आ गई है, अभी ये लगाते हैं, लाइट जाने वाली आधा घंटा रह गया, उससे पहले पहले मेरी कोशिश है फ्लैक्स लगा लें हम। टाइम जनाब साहब वो है 3:13 है, चेक करो ज़रा, ठीक है 14 मिनट हो गए हैं, फ्लैक्स लग गई है हमारी अलहमदिल्ला, ये भी काम जो था ना हमारा हो गया कम्प्लीट। और ये इस जगह पे नहीं लगनी, ये अंदर जानी है, कोई इनका फंक्शन है उसकी बैकग्राउंड पे लगानी है। अभी जो है लाइट जाने वाली एक दो मिनट रह गए, अभी तक तो आ रही है, हो सकता है ना जाए, ना जाने वाली तो बात ही सवाल ही पैदा नहीं होता, जाने वाला तो जो आप कह सकते हैं कि 95% चांस है और ना जाने वाले सिर्फ 5%, तो अगर नहीं गई तो फिर ग्रिलों का काम करेंगे, चलेगी तो फिर बैठ के रेस्ट करेंगे, यही है ना, अभी क्या कर सकते हैं भैया। अभी जो है ना दो कस्टमर है जिनका फ़ोन आ गया कि दोनों के गेट थोड़े थोड़े ख़राब हो गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हालत में ख़राब हुए हैं, बंद नहीं हो रहे, तो रात को दरवाजे खुले रहेंगे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया जी आप आगे इनको अभी ठीक कर दें, ये तो हमारा जो है ना रात को मसला बन जाएगा। तो अभी जो है ये सामान सारा हमें क्लोज़ करना पड़ेगा, अंदर रखते हैं, वैसे तो मैंने ग्रिलों के डिज़ाइन बनाने थे लेकिन अब मैं नहीं बनाऊंगा, जाहिर सी बात है उनका काम ज़्यादा सीरियस है, उधर चलते हुए ये काम अभी 2 से 3 दिन इसको लग जाएंगे, तो इसको जो है अभी इधर रखते हैं, अंदर रख के सामान दुकान बंद करते हैं, चलते हैं उधर भाई काम करने के लिए। लो जी ये गेट जो है ना टूट गया इधर से, इसको हमने काफ़ी देर पहले से करना था ठीक मगर किया नहीं, आज इसको इंशाल्लाह कर देंगे। तो जो भी काम कर रहे थे ये जो पाइप है ना चेंज किया तो आर के कम्युनिकेशन इधर मैंने रवा कर लिए हैं, ये देखिए जाम हुए थे ना इनको सेट किया, लाइट चली गई है, अभी लाइट आने का इंतज़ार, लाइट आती है तो फिर इसकी फिटिंग करेंगे, अभी हमारा काम था 15-20 मिनट का, एक घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा। वहाँ से काम करने के बाद ना आए हम इधर, एक छोटा सा काम था, ये दरवाज़ा ख़राब था, ये पाइप ख़राब हो गया था, ये चेंज कर दिया भाई, सब सफाई कर रहे हैं क्या बंदा ये। अभी हमारा काम जो आज ख़त्म हो गया, जैसे छुट्टी करते हैं गुजार वगैरह दुकान पे रखते हैं, और आज हफ्ता है और दोस्तों ने भी आ जाना है, लूडो शूडो खेलने के लिए जाके फ्रेश होकर फटाफट घर से फिर आते हैं इधर टावर पे, गुजार रखने हैं शॉप पर, गुजार रख के चलते हैं घर, हालत चेक करो ज़रा, चेहरा हाथ मुँह हर चीज़ काली हो गई है। तो जी मैं भी घर आके फ्रेश हो गया, हाथों लिया है, अभी खाना खाते हैं, भूख काफ़ी लगी है, आज घर में बने हुए हैं दाल चावल। आप चैनल को सब्सक्राइब करके कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़। और कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैं क्या वैसे ही लिखता हूँ, एक दोस्त बड़ा आज मुझे कह रहा था कि जी तुम्हारा चेहरा जो है ना वो इस तरह का है कि तुम नहा लो तो भी ऐसे ही लगते हो,
ना नहाओ तो भी ऐसे रखो, जितना मर्जी ना हो, जितनी मर्जी क्रीमें लगाओ, तुम्हारे ऊपर मैल चढ़ी रहती है हर वक्त। और अभी कमेंट बॉक्स में मैं आपकी भी राय जानना चाहता हूँ, क्या ये बात सच है या गलत, क्योंकि आपने कुछ सेकंड पहले या कुछ मिनट पहले मुझे देखा था कि मैं दुकान बंद करके बुरी हालत में घर आया था। अभी आगे मैं नहा धो के फ्रेश हुआ हूँ, कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या फ़र्क आपको मैं फील होता है। नहीं फील होता तो भाई साहब फिर क्या कर सकते हैं, आपने बताना ज़रूर है। अल्लाह हाफिज़।